अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज दोबारा से हम फ्राइडे को नमाज़ वगैरह पढ़िए और रोज़े की हालत में स्टेशन पे आप लोगों के लिए आए हैं। और एक आज शिकायत भी है जो मेरी वाइफ को आप लोगों से है और मुझे भी आप लोगों से है, वो भी करेंगे। इसके अलावा आज की रमज़ान में जो ट्रेन का शेड्यूल है इस रेलवे स्टेशन पर, वो भी आपको दिखाएँगे। मज़ेदार किस्म की बेहतरीन प्यारी प्यारी ट्रेन भी दिखाएँगे और प्लेटफॉर्म पे जितनी आमदोरफ्त है वो भी आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं और अभी एक ट्रेन खड़ी भी है, ये मेरे ख्याल से लाहौर जाने वाली है या मुल्तान जाने वाली नहीं, है मुझे नहीं पता। इसका अभी पता नहीं है, बहरहाल पूछ लेंगे, वो भी आपको बता देंगे। बाकी प्लेटफॉर्म सारा सुनसान है, आप पीछे भी देख सकते हैं, ये भी और ये साइड भी दोनों। बड़ा ही प्यारा वेदर है, मज़े का इंजॉय कर रहे हैं हम लोग रोज़े की हालत में। तो आज इफ्तारी का प्लान तो ये यहीं पर था प्लेटफॉर्म पर, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारी इफ्तारी आप ही के घर में आज इफ्तारी वहाँ करेंगे हाँ तो सफ़र में रोज़ा तो नहीं होता ना, इसीलिए तो ये खाने पीने का सारा सामान मौजूद है। और हम नई चीज़ देख रहा हूँ, ये चादरें क्यों लगी हुई हैं? कहीं खुफिया खाने का सिस्टम तो नहीं बनाया उन्होंने? मुझे तो यही लग रहा है कि जिनका रोज़ा नहीं होता ना, खाने पीने के लिए ये जगह बनाई हुई है, मतलब रोज़ेदारों से छुप के ये जगह नाश्ते माश्ते करें। और तो ब्लॉग के शुरू में मैंने कही है, शिकायत है आप लोगों से, क्या है कि यार हम आप लोगों के लिए आए हुए वीडियोस बना रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि यार हमें आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। और रही बात, हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि चैनल की वीडियोज़ एडिट भी सही कर रहा हूँ, SEO भी कर रहा हूँ, हैशटैग्स टाइटल्स वगैरह टैग्स वगैरह भी डाल रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, थंबनेल भी अच्छा बना रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमारी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आ रहे। 100 एंड समथिंग वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, 100 प्लस वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। बाद लोगों का चैनल में देखता हूँ 50-60 वीडियोज़ पे ही उनके 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं और चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है, और हमारा ये सफ़र कुछ लंबा ही होता जा रहा है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। तो आपको अगर हमसे कोई भी गिला, कोई भी बात या कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमारी वीडियो के रिलेटेड कुछ कहना चाहते हैं, तो आप खुल के कह सकते हैं। उन लोगों का शुक्रिया जो लोग अभी तक स्टिल, यकीन करें कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो स्टिल वॉच भी कर रहे हैं और स्टिल जो है उनके वो कमेंट्स भी आते हैं, मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ उनके कमेंट्स, तो उनका बहुत शुक्रिया। बाकी आप सब लोगों का भी शुक्रिया जो वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन यार प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट में मज़ीद इजाफा कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ताकि हमें बताइए, हमें आगाह कीजिए यार आप लोग ये काम अच्छा कर रहे हैं, ये काम अच्छा नहीं कर रहे, तो फिर हम लोग उस पर जो है ना मज़ीद वर्क करेंगे। ये तो दिल छोड़ बैठी थी कि यार एक साल होने वाला है हमारे, तो व्यूज़ ही कोई नहीं, क्या बनेगा। मैं कह रहा सब्र से काम लो थोड़ा सा, इन्हें भी कहते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी कि यार सपोर्ट में थोड़ा सा इजाफा करें ताकि ये सफ़र जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, यूं ही तो नहीं चलते रहना ना हम लोगों ने। रोने लग गई है यार, क्या कर रहे हो, रुला दिया है बेचारी को। अभी 3:15 हो चुके हैं और प्लेटफॉर्म सारे ही तकरीबन खाली हैं, एक प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ट्रेन खड़ी हुई है, वो भी आई थिंक या मुल्तान या मुल्तान के लिए है, रवाना होनी है, उसने शाम को जाना है, तो वो खड़ी हुई, बाकी कोई ट्रेन अभी तक नहीं आई। मार्गला से आकर कराची जाने के लिए 6 डाउन ग्रीन लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 3:30 पर रवाना होगी। 3:30 पे वो जो ट्रेन खड़ी हुई थी वो मुल्तान के लिए नहीं, वो कोहाट की ट्रेन है, तो अभी ग्रीन लाइन आ रही है, जाना नहीं आई जाती, बहुत लेट है, लेट जाती है, 3:30 का बोला, 4 बजे जाएंगे ये कोहाट की ट्रेन है और अभी ग्रीन लाइन आ रही है, तो आइए चलते हैं जाके ग्रीन लाइन देखते हैं। एसी स्टैंडर्ड सिंगल सिंगल विकेट आराम आराम से टहलते टहलते सुकून सुकून से।
आप देख रहे हैं जिसकी बोगी में मैं आया हूँ, ये है क्वेटा वाली जो पेशावर जाती है, और बिजनेस क्लास ये केबिन है। इसका रिव्यू करवाता हूँ आपको। इसमें रोशनी है, ये देखिए, ये एसी ऑन हुआ हुआ है, यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आइए चलते हैं, ज़रा एसी स्टैंडर्ड देखते हैं ये कैसा है। ये भी रास्ता, और ये क्या है वो, ये बाथरूम। माशाल्लाह सफ़र की दुआओं पर लिखी हुई है। तो ये एसी स्टैंडर्ड है, लग तो नहीं रहा एसी स्टैंडर्ड। टेम्परेचर नॉर्मल है अंदर का। इससे अच्छी मुझे बिजनेस क्लास लगी है। इसमें भी ये दो बर्थ हैं, ऊपर ये आई थिंक एसी के लिए डक्ट लगी हुई है, फैन लगा हुआ है, और खाने पीने के लिए टेबल लगा हुआ है। ये आई थिंक दो बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीन बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी इधर वाले जो हैं वो अपना बंदोबस्त खुद करेंगे। ये भी बर्फ लगी हुई है, हल्की हल्की जो है ना ठंडक, हल्की हल्की ठंडी, हल्की हल्की ठंडक आ रही है। और ये केवल हल्का हल्का ठंडा है, ये नहीं कहता कि बहुत चिल हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का ठंडा है। पहले जब मैं एंटर हुआ तब मुझे नहीं महसूस हुआ, लेकिन अभी यहाँ पर बैठने से थोड़ा सा ठंड हो रहा है। ये सारी केवल, ये है जाफर एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास, यहाँ सेंटर होते हैं। इसकी जो जाफ़र एक्सप्रेस है ना, इसकी इकॉनमी क्लास जो हज़ारा के ट्रेन है ना, हज़ारा एक्सप्रेस है क्या है, उससे काफ़ी बेहतर है यार। मैंने देखा अंदर सफाई भी थी, मतलब उतना से गंदगी नहीं थी, और मतलब अच्छा एक मतलब सही थी, मतलब उसको आप रेटिंग में अगर दें तो 7/10 मैं रेटिंग उसको दूंगा, मतलब। और हज़ारा को अगर बात करें, हज़ारा को रेटिंग देने के लिए, तो हज़ारा को मैं यकीन करें 2 या 3 नंबर दूंगा सफाई के हवाले से। जो लोग अंदर गंदगी मचाते हैं ना, कोई सफाई नहीं करते, उस लिहाज से ये क्वेटा की जो ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस, क्वेटा से जो पेशावर चलती है, इसमें सफाई बेहतर है।